नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हमेशा से होता आया है, 1 फरवरी को इस साल का भारत का यूनियन बजट यानी मरकजी सरकार का बजट आने वाला है। आज 30 तारीख है, परसों बजट आएगा। कल जो है एक रिव्यू रिपोर्ट जारी की गई भारतीय सरकार की तरफ से। भारतीय रिव्यू रिपोर्ट में जैसा कुछ बताया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जैसे कि पिछले 3 साल से यानी कोरोना के दिनों में, कोरोना के जो 2 साल गुजरे, वो तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो डोल्ड्रम्स में थी, बहुत बर्बाद हो गई थी। लॉकडाउन थे, कारखाने बंद पड़े थे, किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मईशत खुली और कारखाने शुरू हो गए, टूरिज्म चालू हो गया, तो भारत की जो इकोनॉमी है पिछले 3 साल से अराउंड 7% यानी 7+ कह सकते हैं के हिसाब से, 7% से भी ज़्यादा के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। और इस साल के लिए पहले तो ये कहा गया था कि 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, उसने ये बताया कि इस साल हमारी इकोनॉमी 7% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन कल की जो रिव्यू रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि इससे भी ज़्यादा यानी इस साल की इकोनॉमी 7.3% के हिसाब से बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि न सिर्फ इस साल बल्कि आइंदा आने वाले साल जो है ना, इनमें भी 7+% के हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। और अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि आइंदा 6-7 सालों में, सॉरी, यानी यूँ समझ लीजिए कि 23 तो अभी पूरा हुआ है, 7 साल और जोड़ दीजिए तो 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है इट विल सरपास $7 trillion। यानी इस वक्त भारत की जो इकोनॉमी है $4 trillion की है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर समझी जाती है। जाहिर है पहले नंबर पर तो अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है। लेकिन जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, और एक दूसरी बात भी है, ये जो जंगें हो रही है, यूक्रेन की जंग हुई या फिर गजा की जंग जारी है, इसकी वजह से बाकी जो दुनिया में है ना, बहुत मसाइल खड़े हो गए हैं। अभी जर्मनी जो है इसकी वजह से मंदी में चला गया है, रिसेशन में चला गया है। तो इसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल्द ही भारत जर्मनी को तो पछाड़ ही देगा, यानी 4थे नंबर पर तो आ ही जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी रिव्यू रिपोर्ट में बताया गया है कि हर साल अगर जिस तरह उन्होंने उम्मीद बंधाई है कि 7% के हिसाब से भारत की इकोनॉमी आइंदा 7 सालों में बढ़ती रहेगी, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि बहुत जल्द, यानी वैसे तो 27 या 28 में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, यानी जापान को भी पछाड़ देगा। लेकिन इस हिसाब से अगर बढ़ते रहे तो 2030 में भारत की जो इकोनॉमी है ना, वो $7 trillion बन जाएगी। और वो तो मैंने पहले ही बताया कि तीसरे नंबर पर तो 27 और 28 में आ ही जाएगी। अब इस सिलसिले में जो है
जो आजकल के बेल वेदर हैं जिनकी तरफ से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी जा रही है। अभी स्मार्टफोन जो हैं या कारें हैं इनके, या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हकीकत में पिछले 10 सालों में भारत ने जो ट्रेडर या बिजनेसमैन फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं इनकी वजह से, और दूसरे सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से भी खुद पिछले 2 सालों से, अभी जैसे 2 साल पहले हमने बताया था आपको कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 70 बिलियन डॉलर का खर्चा किया। पिछले साल भारत ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 बिलियन डॉलर मुख्तस किए थे, और अब उम्मीद है इस साल के बजट में हमारी जो वजीर ख़जाना हैं वो 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा करेंगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इनकी वजह से इसके जो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होते हैं तो बाकी इकोनॉमी पर भी वो बहुत पड़ते हैं। जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ती है तो लॉजिस्टिक्स का खर्चा घट जाता है, और इस तरह से जैसे मैंने बताया स्मार्टफोन ज़्यादा बनते हैं। एप्पल के हमने आपको बताया कि अभी हम उम्मीद है कि 25% एप्पल के स्मार्टफोन बना सकते हैं, और अभी कल जो है सैमसंग जो कंपनी है उसका जो मोबाइल एक्सपीरियंस बिजनेस का हेड है, और साथ साथ वो जो है प्रेसिडेंट भी है सैमसंग का, उसने इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, और उसमें उसने बताया कि इंशाल्लाह इस साल हम जो है स्मार्टफोन में एप्पल को मात दे देंगे। पहले स्मार्टफोन में सैमसंग आगे होता था, लेकिन बीच में 21-22 में जो है पीछे पड़ गया, लेकिन इस साल वो उसे उम्मीद है कि वो एप्पल से भी आगे बढ़ जाएगा। और इस सिलसिले में उसने कहा कि इंडिया विल प्ले अ क्रूशल रोल इन दी डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ स्मार्टफोन्स वर्ल्ड वाइड, न सिर्फ भारत में। और इस सिलसिले में उसने भारत का जो कंज्यूमर है उसकी भी बड़ी तारीफ की, और उसने ये भी बताया कि भारत का जो कंज्यूमर है वो टेक सेवी है, उसे टेक्नोलॉजी की खासी उसका खासा इल्म है, इसीलिए भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्मार्टफोन हैं उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।